हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है शाही पनीर। तो फ्रेंड, शाही पनीर की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। चलिए हम देख लेते हैं इसको रेडी कैसे करना है। तो फ्रेंड, शाही पनीर की सब्ज़ी जो है ज़्यादा चटपटी ना होकर और टेस्टी रेसिपी है ये। बाकी पनीर की रेसिपी से इसमें कम मसाले जो हैं ऐड किए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर सबसे गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बादाम। यहाँ मैंने 7 से 8 बादाम ऐड करी है। 7 से 8 ही मैंने काजू लिए हैं और यहाँ मैंने 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से काट लिया है। और फ्रेंड, इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूंगी 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची जाएगी, इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच जितना, और यहाँ मैं 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड कर दूंगी जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। और यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता ऐड कर दिया है फ्रेंड। इसी के साथ हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब बटर लिया है, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इतना पानी ऐड करना है कि जो हमने ये सब इंग्रेडिएंट डाले हैं इनके ऊपर तक पानी रहना चाहिए फ्रेंड। अब हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। देख लीजिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट बाद फ्रेंड इस तरह का मसाला जो अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें से खड़े मसाले जो हमने ऐड किए थे वो सब निकाल लेंगे, हमको पीसना नहीं है। इसको अच्छे से ठंडा करके फिर इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो है निकाल लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, लौंग वगैरह सब निकाल लिया है फ्रेंड। अब हम इसको ठंडा करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में सारे मसाले जो मैं हैं ऐड कर दूंगी। ये प्यूरी रेडी होने के बाद हमको इसको छानना है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे इस प्यूरी को छाना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इस प्यूरी को 2 से 4 बार अच्छे से पीस लिया था, तो आपको छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड। छानने से क्या होगा कि हमारी सब्जी जो है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो फ्रेंड, फिर से मैंने इस पर कढ़ाई गरम रखी है। हम इसमें डालेंगे बटर। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब बटर ऐड किया है। और अब हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब। इसी के साथ हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा और बटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया था फ्रेंड। इसी के साथ मैं यहाँ पर पनीर के पीसेस ऐड कर दूंगी। पनीर को मैंने कुछ इस तरह से काट लिया था, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पनीर को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, पर फ्रेंड ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छी सब्जी आपकी जो है टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर पनीर जो है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। हल्का हल्का हमें इसको पकाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से, वरना पनीर टूट जाएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमारी प्यूरी रेडी की गई है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देख लीजिए फ्रेंड, प्यूरी हमारी बहुत ही स्मूथ बनी है। अगर आप इसको छानना चाहें तो आप छान सकते हैं फ्रेंड। अगर आप छानना नहीं चाहते हैं तो आप प्यूरी को 2 से 4 बार अच्छे से पीस ले, ताकि जो है बहुत ही स्मूथ सी हमारी प्यूरी रेडी हो जाए। हम नमक ऐड कर देंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी फ्रेंड। शाही पनीर की सब्जी जो है चटपटी ना होकर थोड़ी सी टेस्ट टाइप में बनाई जाती है, तो यहाँ पर आप डाल फ्रेंड। शाही पनीर की सब्जी में केसर भी डलता है, तो आप यहाँ पर केसर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर ऐड नहीं किया है। केसर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पर केसर डाल सकते हैं, मैंने केसर यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और मैं यहाँ खड़े मसाले होते हैं उनका पाउडर ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच के करीब।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मसाला ऐड कर दिया है फ्रेंड। अगर आप चाहें तो इस समय आप एक चम्मच चीनी या एक चम्मच शहद डाल सकते हैं। शाही पनीर जो है जिसमें चीनी डलती है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ चीनी या फिर शहद डाल सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, आप जो भी चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्रीम या दही आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रीम को फेंट लिया था, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच क्रीम ऐड कर दूँगी और क्रीम के साथ ही मैंने 1 चम्मच चीनी भी इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, ताकि चीनी का फ्लेवर जो है मलाई में अच्छे से आ जाए और मलाई सब्ज़ी में घुलते ही बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दी थी फ्रेंड, आप चाहें तो अलग से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, हमको 2 मिनट इसको पकाना है और फिर आप देख लीजिए फ्रेंड हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में, आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी, हमारी प्यूरी कितनी बढ़िया बनी है, कितनी स्मूथ सी बनी है। हमको इसको छानने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, अगर आप इसको अच्छे से पीसेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी है बनकर, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है हमारी सब्ज़ी। तो शाही पनीर हमारा रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर मलाई डाल दूँगी, मलाई को आप अच्छे से फेंट लीजिए और यहाँ पर सर्व कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मलाई ना हो तो आप यहाँ पर दही, और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती ऐड कर हमारी सब्ज़ी रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं सर्व करने के लिए हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड। ये सब्ज़ी आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।